Assalamu alaikum. Let's start Book 4 New Oxford Modern English Unit 5 The Ambassador's Disguise. Words to know Ambassador Safir, Bost Sheikh Marna, Club Asa Lut, lance, Neza, Tribute Kharaj Ya Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the nobles were making bows. एक मरतबा कीव के एक अजीम रूसी शहजादे वलदमीर के महल में सब उम्र शेखियाँ मार रहे थे वंस नोबल वन नोबल बॉस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड अदर्स शॉर्ट ऑफ हिज विजडम एक अमीर अपनी ताकत की बड़ाई ज़ाहर कर रहा था दूसरे ने अपनी दारिशमंदी की नुमाइश की अदर्स बॉस्टेड ऑफ़ देयर वेल्थ और देयर टेड हॉर्सेस बाकियों ने अपनी दौलत या अपने बात मात काबिल एतबार घोड़ों की शेखियां मारी One noble starver, said nothing at all. एक अमीर सैट नोविच ने कुछ ना कहा ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस वो अपने चेहरे पर एक लिए बैठा रहा वलदमीर नोटिस दिस एंड आस्ट वाई आर यू साइलेंट टावर हैव यू नथिंग टू से शहजादा वलदमीर ने यह देख लिया और पूछा तुम क्यों खामोश हो स्टावर क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैथरीना अजीम शहजादे स्टावर ने जवाब दिया मेरे पास शही पारने के लिए कुछ भी नहीं सवाए अपनी बीवी कैथरीना के She is young and beautiful, braver and more skillful than any warrior here. वो नौजवान और ख़ूबसूरत है यहाँ मौजूद किसी भी जंगजू से ज़्यादा बहादुर और माहिर है She can shoot with a bow, sing like a nightingale, and enchant everyone with her harp. वो तीर चला सकती है बुलबुल की तरह गा सकती है और अपने एक साजार या सरंगी नुमाज होता है उससे हर किसी को मशहूर कर मशहूर कर सकती है एंड नोवन हेयर बीट हर एट चेस और यहाँ मौजूद कोई भी फ़र्द अब उसे शतरंज में शिकस्त नहीं दे सकता इस प्रिंस so? क्या ऐसी बात है शहजादे ने बात काट कर कहा येस इन डीड ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर हाँ बिल्कुल असीम शे, शेजादेटावर ने जवाब दिया शी कुली डिफीट ऑल योर नोबल्स वो वो आपके तमाम उम्र को आसानी से शिक्स दे सकती है एंड पार्डन मी फॉर सेंग सो ग्रेट प्रिंस बट यू आर नो मैच फॉर हर आयदर और ये कहने के लिए मुझे माफ़ कीजिए अजीम शहजादे मगर आप भी इसके सामने कुछ नहीं है द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री वेन ही हर्ड दिस शहजादे ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सेट यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम उसने गुस्से से स्टावर को घूरा और कहा इस मतबा तुम हद से आगे निकल गए हो हाउ डेयर यू से डेट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारी बीवी के सामने कुछ नहीं हूँ द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गॉड्स सेट शहजादे ने स्टावर की तरफ उंगली उठाई और अपने एक महाफज की तरफ मुड़ते हुए कहा टेक दिस मैन अवे थ्रो हिम इन टू द डन इस आदमी को ले जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो गिव हिम ओट्स एंड वाटर नथिंग मोर नाउ गो इसे जई और पानी दो और कुछ भी नहीं अब जाओ द गॉड डिड एज ही इंस्ट्रक्टेड मुहाफिस ने वैसा ही किया जैसा कि उसे हुक्म दिया गया था ही थ्रू स्टावर इन टू अ कोल्ड डार्क डंजन उसने स्टावर को एक सर्द तारीख कोठड़ी में डाल दिया द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार्स हाई अप नियर द सीलिंग रोशनी ऊपर छत में से नसब मोटी सलाखों वाली एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी ऑल स्टावर कुछ सी वॉज द स्काई स्टावर सिर्फ आसमान को देख सकता था ही सैड ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड वो नहायत उदासी महसूस करते हुए सर्द पथरीले फ़र्श पर बैठ गया एज नाइट फैल स्टावर लुक आउट ऑफ द विंडो एट दिन द स्काई जब रात हुई तो स्टावर ने खिड़की से बाहर आसमान के स्तारों को देखा अलास he thought to himself, "I have served the prince for nine years, and this is how he repays me." अफसोस उसने दिल में सोचा मैंने नौ साल शहजादे की ख़िदमत की और उसने ये बदला दिया आई एम सॉरी आई हर्ड द प्रिंस बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ मुझे अफसोस है कि मैंने शहजादे को तकलीफ दी मगर मैं अपनी बीवी के बारे में ए, मैंने अपनी बीवी के बारे में सिर्फ सच बोला था आई होप tells कैटरीना वेयर आई एम उम्मीद करता हूँ कि कोई कतरीना को बता देगा कि मैं कहाँ हूँ कैटरीना हर्ड वट had हैपन टू हर हजबेंड कतरीना ने सुन लिया कि उसके शौहर के साथ क्या गुजरी है She tried to visit him the following day but the guards would not let her in. अगले दिन उसने उससे मिलने की कोशिश की मगर محافظوں ने उसे अंदर न जाने दिया. So she thought of a plan to rescue him. लिहाजा उसने उसे रिहाई दिलाने का एक मंसूबा सोच लिया. Katrina called together her band of 30 archers, 30 chess masters and 30 musicians. कैटरीना ने अपने तीस तीरंदाजों, तीस शतरंज के माहरों और तीस मोसीकारों का ग्रुप इकट्ठा किया शी टोल दैम शी नीडेड देयर हेल्प रेस्क्यू हस्बैंड उसने उन्हें बताया कि उसे अपने शोहर को रिहाई दिलाने के लिए इनकी मदद की जरूरत है एंड दे एग्रीड टू हेल्प हर और वो उसकी मदद करने पर आमादा हो गए द नेक्स्ट डे कैटरीना रेडी अगले रोज कैटरीना तैयार हुई शी with सूट ऑफ आर्मर cover her फेस अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक हेलमेट जिसे उर्दू में खुद भी कहते हैं ए, एक खुद के साथ एक जरा पहनी शी अ बो एंड क्लब ऑफ स्टील एंड लॉन्ग लैंस उसने एक कमान और चंद तीर, फुलाद का एक असा और एक लंबा सा नेज़ा ले लिया पर्स्ट ऑन हर लेफ्ट उसके दाएं बाजू पर एक नकाब पोश A she mounted a tall for, दोस्त पहुंचे तो वो उनकी रहनुमाई करती हुई महल की तरफ रवाना हो गई अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्राम द वॉल सिटी कैटरीना टोल हर फॉलोर्स टू वेट शहर की दीवारों से कुछ दूर कतरीना कैथरीना ने अपने पीछे आने वालों को इंतज़ार करने को कहा शी वॉड बाय हर सेल्फ़ इन टू दिटी एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस वो अकेली घोड़ा दौड़ाती हुई शहर में दाखिल हो गई और महल के दरबार में जा पहुंची ऑल द ऑल द पीपल थाट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर सब लोगों ने यही समझा कि वो एक कोई अजीम जंगजू है ऑफकोर्स नो वन गेस्ट शी वॉज अ वमेन यकीनन कोई भी अंदाज़ा ना लगा पाया कि वो एक औरत है कैटरीना बॉट टू प्रिंस वी करीना कतरीना शहजादा वलदमीर के सामने झुकी आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ क्वीस शी अनाउंस्ड मैं यूनान के बादशाह का सफ़ीर हूँ उसने ऐलान किया आई हैव कम टू फ्रॉम यू मैं तुमसे खराज वसूल करने आया हूँ आई इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे माई आर्मी ऑफ फोर्टी थाउजेंड मैन विल अटैक योर सिटी अगर तुमने अदायगी करने से इनकार किया तो मेरे चालीस हज़ार आदमियों की फ़ौज तुम्हारे शहर पर हमला कर देगी प्रिंस व्य शादा वल्द मीर खौफ से काम उठा गिव मी टाइम टू थिंग एम्बेसडर ही बैट मुझे सोचने के लिए वक्त हो सफी उसने इस्तजा की टाइम precious, roared द एम्बेसडर वक्त कीमती है सफ़ीर गर्जा आई वॉन्ट योर आंसर नाउ मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए पे द tribute और वी विल अटैक खराज अदा करो वरना हम हमला कर देंगे इफ़ यू कैन नॉट पे देन गिव मी योर नीज जम्बावा टू बी टू बी माई वाइफ अगर तुम अदायगी नहीं कर सकते तो फिर अपनी भतीजी ज़बावा मेरी बीवी बनने के लिए मेरे हवाले कर दो द प्रिंसिस नीस ज़ंबावा वाज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल शहजादे की भतीजी ज़बावा एक खूबसूरत और होशियार लड़की थी द क्वींस लव्ड हर डीअली शहजादा उससे बहुत प्यार करता था देयर वाज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर वो उसे तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं कर सकता था

I obey you in all matters, but I cannot marry a woman. प्यारे चचा, जबावा ने जवाब दिया मैं सब बातों में आपका हुक्म मानती हूं, मगर मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती. This ambassador is not a man, but a woman. ये सफीर कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है. See how the ambassador talks and walks. देखिए कि सफीर कैसे बोलता है और चलता है. Look at the ring marks on her delicate fingers. इसकी नाजुक उंगलियों पर बने अंगूठियों के निशान देखिए You may be right," agreed the prince. "But what can we do to find out if the ambassador is a woman or a man?" तुम दुरुस्त हो सकती हो शहजादे ने इत्तफाक किया मगर ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सफ़ीर मर्द है या औरत Prince Vladimir spoke to the ambassador. थोड़ी देर बाद शहजादा वलदमीर ने सफीर से बात की Dear ambassador.

then the the prince asked the ambassador to play a game of chess। शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। the prince was the best player in the land। शेजादा पूरी सरजमीन में सबसे बेहतर खिलाड़ी था He believed if the ambassador was a woman, she would lose। उसे यकीन था कि अगर सफीर औरत हुआ तो वो हार जाएगी मच टू दिवि एसटॉलिशमेंट द एम्बेसडर वॉन द गेम शेजादे को बड़ी हैरत का सामना करना पड़ा कि सफ़ीरबाजी जीत गया द प्रिंस टर्न टू जम्बावा देर इज़ नो वोमन शहजादा जिब्बा की तरफ मुड़ा ये कोई औरत नहीं उसने सरगोशी की आई एम श्योर शेप्लाई जम्बावा मुझे यकीन है कि यह है जिब्बा ने जवाब दिया द प्रिंस था वायल देन सेट टू दम्बेसडर लेट इस नाउ ट्राई सम शहजादे ने एक लम्हे को सोचा फिर सफीर से कहा अब थोड़ी तीर अंदाजी आजमाते हैं the एंड द the went इन टू अ लार्ज courtyard. शहजादा सफीर और उमरा सब बाहर एक वसी सहन में पहुंचे अ गोल्डन the वॉज placed प्रिंस steel knife behind इट एक सिरे पर एक सुनहरी रिंग या दायरा चल्ला नुमा एक चीज लगा दी यानी वो जो रिंग होता है जिसमें से तीर फेंकते हैं लगाया गया और शहजादे ने उसके पीछे एक फुलाती खंजर रख दिया फर्स्ट द प्रिंस शॉट थ्री एरोस एट द टारगेट पहले शहजादे ने हداف पर तीन तीर चलाए द एरोस पास थ्रू द रिंग बट डिड नॉट हिट द नाइफ तीर रिंग में से दायरे में से गुजर गए मगर खंजर से ना टकराए देन द एम्बेसडर शॉट एन एरो एट द रिंग फिर सफीर ने उस दायरे उस छल्ले पर एक तीर चलाया द एरो लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू तीर प्रवास में सांप की तरह फुनकारता हुआ गया इट पास्ट थ्रू द रिंग एंड कट इट सर्व इन टू दिन टू अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ

सफ़ीर किसी मर्द की तरह तीर चला सकता है मगर वह बोलता चलता और बैठता बिल्कुल एक औरत की तरह है एंग्री यू आर सिली ही गुस्से में आ गया तुम बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही हो उसने कहा आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर मैं तुम्हें सफ़ीर से शादी करने का हुक्म देता हूँ गो प्रिपेयर फॉर यूर वेडिंग जाओ अपने आप को शादी के लिए तैयार करो जम्बावर रैन ऑफ इन टीयर्स जम्बावर रोती हुई भाग गई द प्रिंस टोल द एम्बेसडर डेट हिज ब्राइड वुड सोन बी रेडी शहजादे ने सफीर को बताया कि उसकी दुल्हन जल्द ही तैयार हो जाएगी बट कैटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम मगर कैटरीना ने इस खेल को खत्म करने का फैसला कर लिया She said to the prince, "Before the wedding, let us fight each other." उसने शहजादे से कहा, शादी से पहले एक दूसरे से मुकाबला करते हैं लेट एस सी हु इज देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है ट्रेवलिंग एट दिस सजेशन द एम्बेसडर देर इज़ नो वन हेयर हु इज योर मैच इस यज पर कामते हुए शहजादे ने कहा सफ़ीर यहाँ कोई तुम्हारा मुकाबल ए, या, सफीर यहाँ तुम्हारा मुकाबल कोई नहीं है ओ डियर रिप्लाइड कोई बहादुर जंगजू हो जो मुझसे मुकाबला कर सके शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टावर गॉडिनोविच को याद करते हुए कहा ही guards to टू ब्रिन from द dungeon. उसने फौरन मुहावजों को हुक्म दिया कि स्टावर को कैदखाने से ले आया जाए Soon स्टावर गोडिनोविज arrived. जल्द ही स्टावर गॉडनोविच पहुंच गया ही to put टू पुट ऑन of ऑफ आर्मर एंड माउंट हॉर्स उसे हुक्म दिया गया कि वो जर्रा पहने और घोड़े पर सवार हो एम्बेडर गैल इ नियर बाई फी ज हो गया तो वो और सफीर घोड़े हुए एक नजदीकी मैदान में पहुंच गए to the went to watch the great fight। सब उम्र अजीमुल शान मुकाबला देखने के लिए गए ambassador and एंड roared towards each other and then leapt. फ्राम हॉर्स टू हॉर्स सफ़ीर और स्टावर घोड़े दौड़ाते हुए एक दूसरे की तरफ बड़े और फिर एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर कूद गए दे थ्रू दियर स्टील क्लब्स इन द ए एयर एंड देन रोड स्ट्रीट टूवर्ड्स द क्वीन उन्होंने फलाद के हँसे हवा में उछाल दिए और घोड़े घोड़े दौड़ाते हुए सीधे शहजादे की तरफ गए द टेरेबल एम्बेसडर ऑफ वीज टुक ऑफ हर हेलमेट एंड थ्रू इट फीट ऑफ़ द प्रिंस। यूनान के ने अपना हेलमेट उतारा और उसे शहजादे के कदमों में दिया। खूबसूरत लम्बे लंबे बाल उसके शानों पर आ गिरे नोबल्स उम्र हैरत से दम्ब खुद रह गए यानी उनके सांस रुक गए ग्रेट प्रिंस laughed, कैथरीना। I have rescued my husband from your dungeon, अजीम शेरज़ादे। कैथरीना ने हंसकर कहा, मैंने अपने शाहर को आपके क़ज़ख़ाने से छुड़ा लिया है। You must agree he was right to boast my, of my skills। आपको मानना पड़ेगा कि मेरी महारतों की तारीफ़ के मामले में इसकी बात दुरुस्त थी। Now farewell। अब अलविदा। And laughing together, कैथरीना एंड स्टावर गोडिनोविच रोड़ अवेय। और एक साथ हंसते हुए कतरीना और स्टावर गॉर्डनी घोड़े दौड़ाते चले गए व्यूअर्स मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये यूनिट यूनिट्स प्रिपेयर कर रही हूँ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़